वेलकम बैक टू संजीव क्लासेस। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है? रिटायरमेंट। क्या नाम है चुकाओ? रिटायरमेंट। भाई क्लास शुरू हो गई है, थोड़ा चुपचाप बैठे है ना। हमें पता आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में बहुत तेज हो। लो जी, हम सिंपली बात करते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1A है। सर तारीख कितनी है? तारीख है 18 मार्च 2021। ठीक है, रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ए बी सी पार्टनर है और सी अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा भाई मुझे एज ए ओनर नहीं रहना। वो कह रहा मतलब चलो काम धंधा भी कर रहा है लेकिन एज ए ओनर मुझे नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू रिटायर एज ए पार्टनर। तो यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई एक व्यक्ति अपना डेजिग्नेशन छोड़ता है। किस चीज की डेजिग्नेशन छोड़ रहा है? एज अ ओनर की, एज अ पार्टनर की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटायर। अब उसकी अपनी मर्जी है क्यों छोड़ रहा है, रीजन में भी आने थी। हो सकता है कि उसको दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस बिजनेस में एज अ पार्टनर रहने से मेरे को काफी सारे लॉसेस होने वाले हैं और कोई फायदा नहीं है। मैंने काफी टाइम इस बिजनेस को एज अ पार्टनर दे दिया है तो भाई मेरे को ऐसे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रही है। देखो बच्चों, लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। अगर रिटर्न्स नहीं मिलेंगी हमें, रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तो बच्चों फिर एफर्ट्स नहीं लग पाते हैं। लाइक आप लोग भी एफर्ट्स इसलिए लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो। मैं भी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, इंटरेस्ट एक अलग चीज है पर कहीं ना कहीं रिटर्न्स बहुत मैटर करती है। तो अगर किसी पार्टनर को फाइनेंशियल रिटर्न्स उसकी इस तरीके से नहीं निकल पा रही जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। समझ में आ गया नहीं? आगे बोलो बेटा। अब रिटायरमेंट क्या होता है? उसको रिटायरमेंट से पहले बिजनेस को नोटिस देना पड़ता है, एक टाइम पीरियड बताना पड़ता है। ये एज पर पार्टनरशिप में जैसे भी लिखा हुआ है तो वो बंदा क्या कर सकता है? बिजनेस से रिटायरमेंट हो सकता है। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। ठीक है सर, अब एक बात बताइए सर, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are studying this chapter? भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमें अकाउंटेंट, हमारा रोल बड़ा लिमिटेड है। हमें अकाउंटेंट, कोई नया पार्टनर आया तो हमने देखा कि भाई तेरे से क्या क्या लेना है और किस किस चीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ना एहसान लेना है ना एहसान देना है, करेक्ट? सिंपल है। अब तू जा रहा है, ठीक है भाई चला जा, क्या दिक्कत है? एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। बोलो बच्चों बताओ, अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को लगाएं तो बिजनेस और ओनर, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। जितने भी ये वो बिजनेस है ओनर है वो दोनों के दोनों क्या है? सेपरेट पर्सन। जितनी भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है आप लोगों के सामने कि ये हमारा बिजनेस है और यहाँ पर कोई पार्टनर जा रहा है, मान लेते हैं संजय क्लासेस, और ये है ए है बी है और सी है। ठीक है सर, अब सी छोड़कर जा रहा है तो बच्चों अब आपका क्या काम है? आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप इस बिजनेस के क्या हो? अकाउंटेंट हो। तो जब सी ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, सी ने मान लो 10 साल काम करा बिजनेस में रहा तो उसने भी पैसा लगाया होगा, उसके भी प्रॉफिट्स होंगे, उसके भी जनरल रिजर्व होगा, हाँ है ना? देखो यार आप लॉजिकली सोच कर देखो, अगर जिस डेट पर सी रिटायर हो रहा है, ध्यान से समझो बेटा, अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर बैलेंस शीट पड़ी हुई है एज ऑन जिस भी डेट को है, मान लो 31 दिसंबर 2020 को बंदा रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर हो रहा है तो यहाँ पर तो कैपिटल तीनों की है ना, ए बी सी। बोलो हाँ है ना? मान लेते हैं इनका PSR 221 था, मान लेते हैं PSR क्या था? 221। अब बताओ तो यहाँ पर हो सकता है जनरल रिजर्व भी पड़ा हो, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाओ, हो सकता है WCR भी पढ़ाओ, हो सकता है IFR भी पढ़ाओ, हो सकता है पुरानी गुडविल भी पढ़ी हो। बोलो बेटा, हो सकता है क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पढ़ाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है सर। और एक तरीके से मैं बताऊं, ये जो बिजनेस की एसेट्स हैं और ये जो बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, इन्हीं को तो नेट एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स में से क्या घटा कर बच्चों, एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर उसका राइट होता है बिजनेस की नेट एसेट्स में, एसेट्स में से क्या घटाकर लायबिलिटीज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? उसका राइट है, उसका राइट किस किस में है? बिजनेस के प्रॉफिट्स में, बिजनेस के रिजर्व्स में। हाँ, तो उसे दूसरी जगह लॉसेस है तो उन लॉसेस के लिए भी क्या करना पड़ता है?
देना भी पड़ता है, समझ में आ रहा नहीं है, एडजस्ट करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो रहा है तो उसको खाली प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे। तो बेसिकली हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ना एहसान लेना है और ना एहसान देना है। भाई मैं लगूं, तू अलग है, तू जा रहा है, ठीक है भाई, तेरा जो जो हिसाब बनता है भाई उस हिसाब को तेरे को हम बता रहे। अब वो ये पूछेगा एज एन अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट से पूछेगा, क्या पूछेगा भाई मेरा बनता कितना है, तो मैं नहीं बताऊंगा पार्टनर, कौन बताएगा, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट क्या बताएगा, ठीक है भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को, अच्छा देख तेरी कैपिटल का बैलेंस बनता है, देख तेरा जनरल लेजर बनता है, देख तेरा प्रॉफिट बनता है, क्या ये सारा का सारा जनरल लेजर उसका है, बोलो सर ये तीनों ने मिलकर बनाया है। और मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा कि जनरल लेजर क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में तो पढ़ाई है, एक फ्लो में तो स्टडीज कर रहे हो, तो जनरल लेजर इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ट्रेड बैलेंस है, तो ये सारा उसका नहीं है, इसमें से उसका हिस्सा ही तो हम लोग देंगे, बोलो बेटा। तो हम कहेंगे अच्छा ले भाई तू जा रहा है, तो ध्यान से देखो सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं, तू जा रहा है ले भाई, खाली सी की बात कर लेते हैं, तो सी चाहता है कि भैया मेरा अमाउंट पता, और यही सेम टॉपिक डेथ में होगा प्यारे बच्चों, अरे ध्यान से सुन लो, यही सेम बातें डेथ में सीखने वाली है, कुछ भी ना इस चैप्टर में बच्चों। भाई साहब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सी कहेगा बताओ मुझे क्या क्या मिलना है, मेरे को क्या क्या पैसे मिलेंगे, क्या क्या पैसे मिलेंगे मेरे को आपसे लेने, तो एज एन अकाउंटेंट हम ये पता लगाएंगे व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू सी रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है बच्चों, बोलो बेटा। और कॉन्सेप्ट वही है, ना एहसान लेना है और ना एहसान देना, ठीक है भाई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तेरा जो बनेगा वी विल पे यू। तो बच्चों अगर उसकी कैपिटल का बैलेंस है तो भाई बैलेंस भी लो भाई, सब करंट अकाउंट का बैलेंस भी डाल दे, डालने तो डाल दो, नहीं तो अलग से करके लास्ट में डाल देना, हाँ है ना। और बताओ क्या क्या चीजें उसको मिल सकती है, कॉमन सेंस लगाओ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बाय WCR बाय IFR, ये सारी बातें वो बंदा ले लेगा। और बताओ सर, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सर सही बात है, वो भी तो रिवैल्यू कराएगा, वो कहेगा मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन इन सारी एसेट्स में तो मैंने भी खरीदवाया था, मैंने भी पैसा लगाया था, मेरी कैपिटल से भी तो एसेट आई है, इन एसेट्स को रिवैल्यूड करो, और रिवैल्यूड करके जो मेरा प्रॉफिट है और जो मेरा लॉस है, देखो क्या क्या मांग रहा है, कैपिटल दो जो मैंने पैसा लगाया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से मेरा जनरल लेजर दो, मेरा प्रॉफिट दो, मेरे को WCR IFR, इस चार में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमेशा नहीं बढ़ते हैं ये, इन पे बांटने की क्या होती है कंडीशन, तो इसलिए ध्यान दे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और हम कहेंगे अच्छा भाई पुरानी गुडविल है तो पुरानी गुडविल का तू लॉस दे दे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है बताओ, तो हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, राइट ऑफ करवा, और बता कोई पुराना प्रॉफिट है, खाली उस पे शेयर की। और यही सारी बातें डेथ में भी होंगी, तो प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट, कॉन्सेप्ट समझो, रिटायरमेंट सर्टेन होती है, और जब मैं डेथ की बात करूंगा तो डेथ क्या होती है, अनसर्टेन। रिटायरमेंट में बंदा हमारे से दूर जाता है लेकिन डेथ में बंदा बहुत दूर चला जाता है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से होती है, डेथ ऊपर वाले की मर्जी से होती है, अरे बोलो यार, रिटायरमेंट में दोबारा आने के चांस है, डेथ में दोबारा आने के चांस, बहुत दूर चला गया, अरे बोल दो यार, कल को उस बंदे का मूड चेंज हो जाएगा रिटायरमेंट, तो यार मैंने तो गलती कर दी, मैं तो दोबारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, आ जा भाई सेम प्रोसेस, फिर दोबारा कौन सा प्रोसेस लगा देंगे, एडमिशन का, आ जा भाई क्या दिक्कत है भाई, बिजनेस में ध्यान रखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, ना एहसान लेना ना एहसान देना, हमें सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस, आज तू जा रहा है जा भाई, जब कल तू आएगा फिर तुझे दोबारा लाने पड़ेगा, आगे बात समझ। और बताओ सर आप ना बड़े दिनों से एक चीज समझा रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या सर वो गुडविल का हिस्सा लेगा, आप बताओ क्या लगता है, व्हाट इज गुडविल, गुडविल की टेक्निकल डेफिनेशन बताओ सारे बच्चे, पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में, सिंपल दैट इज गुडविल, बाकी किताबों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, अब आप बताओ भाई कॉन्सेप्ट है ना, नया एहसान लेना नया एहसान देना, भाई तू जा रहा है तो तूने भी एफर्ट्स करे, तूने मेहनत करी, तेरी गुडविल का जो पैसा है हम देंगे, अब तेरे जाने से, ध्यान से सुन लो, तेरे जाने से क्या होगा, पहले प्रॉफिट तीन में बढ़ता था, अब प्रॉफिट कितने में बढ़ेगा, दो में, तो तेरे जाने से जो तेरे हिस्से का प्रॉफिट है वो गेन करा जाएगा, कौन गेन करेगा, हो सकता है ए और बी करे, सुन लो बेटा पूरे चैप्टर का रोड मैप है,
विद कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो अब सी चला गया, तो जो सी का शेयर था 1/5 हो सकता है, इस 1/5 को हो सकता है खाली ए ले ले, हो सकता है खाली कौन ले ले, बी ले ले। तो ये क्या आ गया, ए को गेन हो गया, बी को गेन हो गया। तो बेसिकली जो प्रॉफिट सी के हिस्से में जाना था फ्यूचर में, अब उसको कौन लेगा फ्यूचर में, ए और बी। बोलो बेटा, तो ए और बी उसके लिए डिजर्व ही नहीं, क्योंकि ये वही प्रॉफिट गया। व्हाट इज गुडविल, पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से, तो एफर्ट्स तो उसके थे, उसका हिस्से का प्रॉफिट था, लेने लेगा कौन, ए और बी फ्यूचर में। तो ए और बी आज उसे क्या करेंगे, कंपनशेट। और जैसे समझ में आ गया गुडविल खत्म हो गया है, क्या होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, यहाँ पर रिटायरमेंट में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे गेनिंग पार्टनर कंपनशेट करेंगे, अरे किसको कंपनशेट करेंगे, रिटायरमेंट। आगे बात समझ, अब मान लो वो जा रहा है सी, कह रहा नहीं नहीं मैं तो खाली सारा शेयर ए को दूंगा, तो कंपनशेट भी कौन करेगा, ए करेगा, ए और बी को देगा। तो जिस रेशियो में वो गेन करेंगे उसी रेशियो में वो क्या करेंगे, कंपनशेट। अरे बात समझ में आ गई, तो ये कांसेप्ट चलता है। तो सर अब आप थोड़ा सा मिनट मिल गया, अब आप लिख सकते हो, हम इतने वो भी नहीं है, अभी अब तो चैप्टर पढ़ा है। तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके सी के हिस्से में होगी। सर और कुछ, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो भी डाल दो, उसने कोई ड्राइंग्स फ्राइंग्स करी है वो डाल दो, जो पार्टनरशिप डीड बातें कहती हैं वो, अगर वो किसी पार्टी, वैसे तो रिटायरमेंट सर्टेन होती है तो इसलिए पहले से ही पीरियड ऐसा डिसाइड करा जाता है, या तो वो महीने या तो साल के स्टार्टिंग में जाता है, या फिर साल के कहां जाता है एंड में, सो दैट की प्रॉफिट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कोई सिद्धि ना हो। लेकिन अगर वो बीच में भी जा रहा है, लेकिन अगर कहां जा रहा है वो बीच में, मान लो हमारी किताबें 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है लेकिन वो 31 मार्च को जा रहा है, तो 3 महीने उसने मेहनत करी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 महीने का प्रॉफिट भी लेगा। समझ में आई बात, तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कुछ कुछ। और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, जो भी हमें अमाउंट पे करना है सी को, जो भी हमें किसको पे करना है सी को। बोलो बेटा, ठीक है सर। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, काफी सारे टॉपिक्स आपके सेम हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस सेम, ट्रीटमेंट ऑफ WCR सेम, ट्रीटमेंट ऑफ IFR सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कांसेप्ट सेम। समझ में आ गया, रेशियोज में, हां रेशियो में भी हम चेंज करने वाले हैं, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लो और अब हम थोड़ा सीरियल वाइज लिख लें कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और फिर आज हम काफी हद तक कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोस, थोड़ा मौज मस्ती करो। तो देखो रेशियोस कौन कौन से निकालने हैं हम लोगों को यहाँ पर, तो वो सब स्वाभाविक है, न्यू रेशियो तो निकलता ही है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस वाले चैप्टर में ज्यादा क्या होने वाला है, गेन ज्यादा होने वाला है, सैक्रिफाइस ज्यादा होने वाला है। सर आप हमें बात समझ में है भाई, जब सी बार बार छोड़ के जाएगा तो सी का जो शेयर था 1/5 वो किसी ना इन दोनों को ही मिलने वाला है ना, तो मोस्टली केसेस में ज्यादातर क्या होना है, गेन ही होना है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो फोकस करा गया वो गेनिंग रेशियो पर फोकस करा है। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में सी एडमिट हो रहा था तो वहां पर गेनिंग रेशियो नहीं था, वहां पर अपने इस पर फोकस कर रहे थे सैक्रिफाइस। चलो जी सर, तो न्यू रेशियो निकालना होगा, गेनिंग रेशियो, कोई न्यू डिफरेंट केसेस, तो रेशियोस की हम न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे इन डिफरेंट केसेस। तो आप सब बच्चों को पता है डिफरेंट केसेस, भाई सी जा रहा है खाली ए को चुपचाप जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब लो जी कॉन्सेप्ट भी सीख लो, फिर बातों में देखो सी का शेयर कितना है 1/6, सी जा रहा है कुछ बोल ही नहीं रहा, इधर देखो चुपचाप जा रहा है। तो ये जो सी का शेयर है इसको कौन ले लेगा, ए और बी, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बांट रहे थे 3:2 में। समझ में आ गया, सी जा रहा है पहला केस, सी जा रहा है कह रहा है भाई मैं तो अपना शेयर खाली ए को दूंगा, मैं तो अपना शेयर खाली किसको दूंगा, ए को, सिंपल। सी जा रहा है कह रहा भाई मेरा जो गेनिंग शेयर है It will be acquired by, मैं इन दोनों को दूंगा 1:1 में। समझ में आ रहा है, यह एक केस और बन जाएगा जिसमें क्या होगा न्यू रेशियो ऑलरेडी क्या होगा गिवन होगा। बोलो बेटा,
तो ये हम चार केसेस में हम इन चीजों को पढ़ेंगे, तो वो जब मैं रेशियो कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो सर बता दो कि क्वेश्चन इज साइलेंट फर्स्ट में ये होगा, सेकंड क्या है, इफ सी शेयर इज एक्वायर्ड बाय, अगर सी का शेयर एक्वायर्ड करा है ओनली वन पार्टनर, कोई एक पार्टनर ले रहा है। दूसरा बताओ, इफ सी शेयर इज एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर ने बेटा एक्वायर्ड कर लिया है इन अ पार्टिकुलर रेशियो। वैसे ये सब याद करने की आवश्यकता है नहीं, मुझे नहीं लगता इन सबसे आपको रटने वाली फील आए, तो रटना वटना नहीं है, क्वेश्चन देखो सीधा सॉल्व मार दो। डी क्या है, इफ न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, अगर न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो। ठीक है सर, आप तो सर टॉपिक ही पढ़ाने लग गए, चलो ओवरव्यू ले लेते हैं। और कौन सा दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ, जल्दी से बताओ फटाफट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, पीएनएल, लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ, फटाफट बताओ सारे बच्चे, WCR और IFR, और बताओ फटाफट बताओ, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। जी सर हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, हम मना नहीं कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो लॉसेस में आ गया भाई, ये क्या WCR IFR, और बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कुछ है नहीं टॉपिक में कुछ। वैसे तो चैप्टर ओवरव्यू मिल गया है, जिनको समझ में आ रहा था समझ भी आ गया, यहाँ तक मैं बता भी चुका हूँ आपको चैप्टर ऊपर ऊपर से। बोलो भाई रेशियो में कुछ ज्यादा खास है नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तुम्हें पता चल ही है, क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लेमिंग पार्टनर सिक्स कॉम्बिनेशन बना देते हैं, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, पहले जो मेन होता था वो तुम्हारा हट ही गया, बताओ मेन क्या होता था, कैपिटल एडजस्टमेंट, मेन क्या होता था कैपिटल एडजस्टमेंट। आप ऐसा करना इस वाले चैप्टर के, पता नहीं एफओपी में तो नहीं छोड़ पाए, इसके बाद आप क्या करना, बातें नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे ही आपका मतलब ये खत्म होगा दो चार पेज खाली छोड़ देना, जब चीजें रिवाइज हो जाएंगी तो कैपिटल एडजस्टमेंट करा देना। ठीक है, अच्छा सर जो सी का बैलेंस है वो क्या बन जाता है, सी का जो बैलेंस है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही देख लेंगे, कई बार लोन अकाउंट वगैरह भी बनाना पड़ सकता है अगर बोले तो, बाकी यही सारी बातें आपको डेथ में भी सीखने को मिलेंगी। बस रिटायरमेंट और डेथ में क्या है, ये सब चीज सेम है, ध्यान से समझो बच्चों। तो मैं रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ का भी ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, तो डेथ में ये सारी चीजें सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम, बस खाली प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक नई चीज आ जाती है यहाँ पर, क्या आ जाती है बच्चों, प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना और चीजों को समझना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, और जिसका क्या नाम है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है बच्चों, वन बाय वन एक एक टॉपिक को निपटाते हैं और खत्म करते हुए चलते हैं, नोटिंग कर लो। चलो जी सर, अब सब क्या करना चाहते हैं यार, सर एक काम करो ना, सीधा कराना स्टार्ट कर दो बच्चों, बातें मत करो, बातें मत करो। तो हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, तो अपने माइंड में दो चीज सेट रखना कि सर एक तो हम न्यू रेशियो तो ज्यादातर निकालते ही निकालते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं बच्चों बताओ फटाफट, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो। मेरा आज मन सा नहीं कर रहा अपना एग्जाम्पल बनाने का, मैं सोच रहा हूँ अपना एग्जाम्पल बनाऊंगा, इतने में आपकी किताब के चार पांच एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो ज्यादा बढ़िया है कि मैं आपकी बुक से भी समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो हाँ है ना सर। बाकी अगर आपको अपने एग्जाम्पल लेना हो, लो जिधर देखो तो 3-2 बात, बातें मत करो, बातें मत करो, एबीसी पार्टनर है। ठीक है चलो सर, संजय सर और संदीप सर पार्टनर है, और एक पहले भी कोई पार्टनर थे मान लेते हैं मिस्टर पी, वैसे एक्चुअल केस है ये, प्रांजल सर हमारे पार्टनर थे, और रेशियो क्या था मैं बता देता हूँ, रेशियो था 2:1, रेशियो क्या था 2:1। तो फिर प्रांजल सर छोड़, मतलब हमने ही बोला, प्रांजल तो बहुत जेन्युइन बंदा है, वो तो अपने मुंह से बोलता भी नहीं कि मुझे छोड़ना है, वो सारे लॉसेस भी बियर कर रहा था सब कुछ, बट हम लोग भी काफी एथिकल है, मैं खुद ही देख लेता हूँ यार तुम कमाई नहीं कर रहे हो, ठीक है यार मैं कैसे तुम्हारे पास लॉसेस डाल सकता हूँ। तो मैंने प्रांजल को बोला कि भाई एक काम कर, तू रहने दे, तू एज अ फैकल्टी हमारे साथ काम कर, तू एज अ फैकल्टी हमारे साथ काम कर, तेरे पास कुछ ना कुछ तो पैसा जाएगा ही, तेरे पास अननेसेसरी तेरे हिस्से में लॉस
नहीं आएगा। अब मैंने क्या करा, बस संदीप सर आप भी टेंशन मत लो, इसके हिस्से का लॉस प्रॉफिट मैं ही बियर कर दूंगा। बात आ गई समझ नहीं आ गई, बोलो भाई। तो मैंने क्या करा, जो इसका शेयर था वो मैंने अपने में एक्वायर कर लिया एक तरीके से। बोलो भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी तो संजय क्लासेस प्रॉफिट कमा के देगा ही, तो मेरा कुछ ज्यादा होना चाहिए सो दैट कि कल को प्रॉफिट मिले तो थोड़ा अच्छा लगे। चलो सर अब आगे चलो, ये रेगुलर बैच के फास्ट रहेंगे, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की डिस्कशन करते हैं, बट मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बताता हूँ, चलता हूँ। तो सर ऐसा करते हैं सिंपली, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है, इसी से आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। लो जी बच्चों, अब कल के टेस्ट में ये आ गया भाई। सर ये एक बच्चा हमारे यहाँ में सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो कह रहा है ये क्या दे रखा है, ये तो है, ये यस पाल जी कह रहे हैं सर ये क्या है, वो आगे बढ़ाई नहीं, कह रहा ये क्या है ये बताओ। पहली लाइन में क्वेश्चन में ऐसा, और बच्चों ये बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से समझ लो, 1/2 और क्या है 2/5 और 1/10। अब बच्चा आगे चले तो चले, कैसे चले ये तो पता है, पहले तो रेशियो लिख देता था, लेकिन ऐसे केस में ध्यान रखना तो ये रेशियो ही है बच्चों, सुन लो ध्यान से। बेस फ्रैक्शन सेम ना होने की वजह से रिलेशन थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है। अरे बोलो यार, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है कि रिलेशन अच्छा बनाओ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जब आप टेस्ट देते हो, कोई उधर मुंह करके टेस्ट दे रहा है, कोई इधर मुंह कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, फिर गंदा सा लगता है उसमें, पता नहीं कुछ प्रोफेशनली मतलब फॉर्मली काम करते नहीं हो। फिर मैं बोलता हूँ सीधे चेयर करो, एक तरीके से बैठो, बातें नहीं, बात आ रही समझ। तो ये वही वाला सिस्टम है, अभी ऐसा दे रखा उल्टा सीधा रिलेशन, इनफॉर्मल गंदा सा लग रहा है, मतलब ऐसे पढ़े नहीं यार, तेरे को 2 में से 1 मिलेंगे, तेरे को 5 में से 2 मिलेंगे, तेरे को 10 में से 1 मिलेंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम। बोलो यार, लेकिन ये गलत नहीं है, टेस्ट तुम्हारा वैसे भी होना है। तो सर आप एक काम करो बताओ, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, बेस सेम बना लेते हैं, एलसीएम नहीं आता ये वाला। बोलो भाई, 2, 5, 10 जो भी है, 2 × 2 = 5 ऐसा कैसी, 5 × 2 = 10। फिर हमें ना एक एक करना होता है, बोलो बेटा 5, 1 आता है या नहीं आता है, 2 × 5 = 10 हो जाता है, ठीक है। चलो 5 सीख लो भाई, बाद में मत बोलना सिखाया नहीं, सीख सुन ले, 5 के बारे में 10 कितनी बात है, 2 पे। चलो जी बातें नहीं, 5, 4, 1 ये आ गया हमारा रेशियो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सर ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे पढ़ लो सर, चलो फाइंड द न्यू रेशियो, कह रहा है न्यू रेशियो निकाल दो इफ ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है एक नंबर में सिंपल, कह रहा है ए रिटायर हो जाए तो बताइए न्यू रेशियो क्या है, और बी रिटायर हो जाए तो बताइए न्यू रेशियो क्या है, और अगर सी रिटायर हो जाए तो बताइए न्यू रेशियो क्या है। तो भाई सिंपल है, जो रिटायर हो जाए उस पर हाथ रख दो, हाँ है ना, ए रिटायर होगा तो ए चला गया, जा भी जा, अब मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, तो जो रह गए कोई और चर्चा ही नहीं हो रही। बोलो बेटा, क्वेश्चन कुछ और चर्चा तो करता, जब कोई और चर्चा ही नहीं है तो सिंपली हमारा न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो बच गया है ए वाले केस में, ए रिटायर होगा तो ए को ढक दो, 4:1। बोलो बेटा, तो ये किस किस का बन गया है, बी और सी का। जब बी रिटायर होगा तो बी को ढक दो, क्या आ गया 5:1 ए और सी का, और जब सी रिटायर हो गया तो सी को हटा दो, 5:4। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो ए और बी। तो अगर सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बनता है तो, बट सर अगर हमें इसको डिटेल में करना हो तो डिटेल में हम कैसे करेंगे, मैं एक का समझा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चों। अब बताओ ए रिटायर हो रहा है तो ए का गेन कितना है, ए का शेयर बताओ, ए का शेयर कितना है, 5/10। बोलो बेटा, अब क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन लेगा इसको, बोलो बच्चों, ध्यान से समझो भाई, सिंपल है यार। देखो केक था, केक पहले तीन जने खा, अब एक चला गया तो भाई केक तो आज भी तो नहीं है, हाँ है ना। अब वो वाला जो हिस्सा उसका था, अब वो ऐसे था नहीं कि किसी बाहर वाले को दे देंगे, प्रॉफिट की बात चल रही है, केक को में क्या है, प्रॉफिट है, तो ये वाला शेयर कौन लेगा, वो दोनों लेंगे, रिमेनिंग पार्ट है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, जब कोई चर्चा ही नहीं हो रही है तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, ये वाला जो शेयर है, दिस शेयर विल बी acquired by, ये लिखने की जरूरत नहीं बट आपको समझाने के लिए, this share will be acquired by B and C in, बताओ बेटा, अगर वो खाली रे पार्टनर होते तो किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे होते, 4:1, तो वो 4:1 में acquire कर लेंगे। बोलो बेटा, अब बताइए सारे बच्चे, देखो थोड़ा लॉजिकली समझो,
तो बी का गेन कितना हो रहा है, बी को फायदा कितना हो रहा है। जिस बच्चे को गेन का मतलब नहीं पता, गेन का मतलब होता है फायदा। सर फायदा कैसे है, केक को देख लो ना, बोलो यार केक को देख लो, वो चला गया तो उसके हिस्से का केक किसी को ज्यादा मिलेगा। अरे बोला यार, तो रिटायरमेंट से उसका शेयर किसी और को मिलने वाला है। तो भाई साहब बी का गेन कितना होगा, 5/10 इंटू में 4/5, तो सर इसको कैंसिल कर देते हैं 4/10। बोलो बेटा, और सी का गेन बताओ, सी का गेन कितना आएगा, सी का गेन क्या है, 5/10 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा 1/10। तो अगर आप देखोगे तो गेनिंग रेशियो तो सिंपली आ गया, बी और सी का 4:1। और मैं आपको बता दूं ये ओल्ड रेशियो ही है हम लोगों का, और न्यू रेशियो भी यही आने वाला है। अरे क्या आने वाला है, न्यू रेशियो भी यही आने वाला है। बताओ सर क्या है न्यू रेशियो, तो बताओ ए का न्यू शेयर। हाँ भाई ये बताएगा, क्या नाम है, नाम बता भाई तेरा, अक्षय, अक्षय बता बेटा, ए का न्यू शेयर, शाबाश वेरी गुड। ए का ओल्ड कितना है, ओल्ड ए को 5/10। हाँ बिल्कुल सही है। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, ए का तो वैसे चाहिए नहीं, ए तो चला ही गया, बी आया, ए तो चला ही गया, बी का गलती से लिखा, आदत पड़ रखी ना एडमिशन में। बी का बताओ पुराना कितना है, 2/5। अब 2/5 बोल दो, लेकिन 4/10 बोलना, सुन लो एक्चुअल में तो भाई बी का शेयर कितना है, 4/5 मत करना, क्या करना पड़ेगा, 4/10। एक्चुअल में उसका पुराना शेयर इतना, क्योंकि तीन पार्टनर्स थे पहले, ये तो इसलिए हमने ऐसा करा कि अगर ये चला जाए तो इनका रेशियो ये होता, तो इसलिए हमने क्या करा वो इस रेशियो में एक्वायर करें, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अरे बोलो बच्चा, यहाँ पर ज्यादा बुद्धि लगा जाता है, कई बार यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है, वो बच्चा क्या करता है यहाँ पर भी 4/5 ले लेता है, वो मत करना। आगे बताओ, शाबाश, आगे चार निशान होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मर्जी लगा दो, बातें नहीं मल्टीप्लाई का सवाल नहीं। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, छोड़ो तुम अटक गए, इधर देखो, गलती मेरी भी है थोड़ा सा, मुझे समझाना चाहिए भाई, कौन चला गया, ए चला गया, इधर देखो ए चला गया, हाँ है ना, yes, A चला गया, A, B और C। अब A जा रहा है, तो A जा रहा है, तो जो A का शेयर है वो किसके पास आने वाला है, B और C के पास। अरे बोलो यार, B के पास आया है ना, देखो तुम्हारे सामने लिखा भी है, तो B को गेन, तो गेन का मतलब क्या हो रहा है, मिलना, तो बताइए B को कितना मिला है, 4/10 मिला है ना बेटा। इतना सोचना है कि इधर देखो मेरी तरफ, मेरे फेस की तरफ बताओ, मिला है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ यार लो जी, आज प्रथम उधर बैठा है, मेरा ध्यान नहीं गया, उन्होंने मुझसे पूछता 4/10 ओल्ड कितना है उसका, 4/10 प्लस उसका गेन भी कितना है, 4/10। वो कहता है सर ये छोटे मोटे क्वेश्चन मत पूछो, तो बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछा। चलो भाई बी के बाद सी का न्यू शेयर, हाँ भाई प्रथम बता दे फटाफट, सी का न्यू शेयर। सर आपने तारीफ कर करके ना, मेरे से कोई गलत हो गया, मुझे अजीब सा लगेगा, जल्दी बताया इतना टाइम मत लगा। सी का ओल्ड कितना है, 1/10 प्लस, यार मैं हूं ही नहीं यहाँ से क्लास में। देखो बेटा सी को गेन कितना हो रहा है, वो ऐसा आगे इत्तेफाक वाली बात है कि दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है जी। तो 1/10 2/10, और अब पार्टनर भी दो ही बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, तो न्यू रेशियो बना दो इसका, तो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी विल बी 8:2:10 और 4:5। आ गई बात समझ, यस सर। तो बच्चों देखो न्यू रेशियो डायरेक्ट एक लाइन में भी आ गया और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ भी आ गया। बातें ना करो भाई, बातें मत करो, अब तुम्हारे समझ आ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करो और बी वाला सोल्व करके दिखाओ, सेकंड वाला फटाफट, बी और सी फटाफट सोल्व कर दो अभी, ठीक है बच्चों। अब हम ऐसा करेंगे, बाकी का जो पार्ट है आप लोग भी सोल्व कर लो, बी और सी, और बाकी का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हम नहीं चाहते आपके ऊपर बर्डन आए, तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस हम बना रहे हैं, 30-30 मिनट के, आप आराम से लेक्चर देख सकते हो।
सर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और डाउट पूछो, और मेरे को व्हाट्सएप करके बोल भी सकते हो कि इतना कवरेज हो चुकी है, मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले लो सर, मेरे लाइव जूम पे डाउट्स ले लो, वो हम आपके डाउट्स वगैरह कर लेंगे। ठीक है बच्चों? जी सर, थैंक यू। Thank you.